बैक टू माई YouTube चैनल। ओल्ड फोगेट टाउन के बाद अभी मैं घूमने जा रहा हूँ पटोंग बीच। पटोंग बीच ओल्ड फोगेट टाउन से 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और वहाँ पहुँचने में मुझे लगेंगे अप्रॉक्स 30 मिनट्स। बट पहले गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ इस सिग्नल के पास छोटे से गणेश जी का मंदिर है और स्पीकर में गणेश मंत्र चल रहे हैं। पटोंग जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और हमारे प्रेजेंस से ये ज़्यादा अच्छा हो गया। जस्ट किडिंग। पटोंग जाने का रास्ता स्ट्रेट रोड्स और हिल्स का मिक्स है, इसलिए रिकमेंडेशन है कि स्मूथ राइड के लिए ज़्यादा पावर और अच्छे ब्रेक्स का व्हीकल यूज़ किया जाए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड्स विद कर्व्स एंड ब्यूटिफुल सी व्यू। ये पटोंग का सुवान खीरी वांग टेम्पल है। फिलहाल हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सीधा पटोंग की तरफ जा रहे हैं और ये रहा पटोंग बीच सामने। नाउ वी हैव टू फाइंड पार्किंग। वेयर इज द पार्किंग? फाइनली आधा घंटा ड्राइव करके उस लोकेशन से अब हम पहुँच गए हैं पटोंग बीच। आपको मैंने कुछ व्यूज़ ग्लिम्स मैंने दिखाए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। सन सी देखेंगे कि अभी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, पीपल आर इंजॉइंग, बट गर्मी भी बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ वो एक्टिविटीज हो रही हैं। पटोंग बीच वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होता हुआ आगे तक जाता है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड पटोंग के। तो यहाँ देख सकते अभी भी लोग हैं जो नहा रहे हैं। यहाँ पे आपको जेट स्की, फिर पैरा सेलिंग, उसके लिए लोग बोलेंगे करने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। बाहर की तरफ आपको वो मिल जाएगा, जो एजेंट्स है बेसिकली वो हाथ में लेके घूमते रहते हैं कार्ड, मेन्यू कार्ड, जिसके कॉस्टिंग है कुछ 799 बाहर, 1000 बाहर, 2000 बाहर अकॉर्डिंगली। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो ये चीज़। बाकी अभी इट्स क्वाइट ह्यूमिड, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सी आप यहाँ देखो पैरा सेलिंग हो रही है ऑलरेडी और वहाँ पे मोटर बोट जेट स्की। तो ये इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है कि इसके अंदर ही स्विमिंग करनी है। यहाँ पे स्विमिंग हो रही, यहाँ स्विमिंग नहीं हो रही बिकॉज़ ये एरिया है जेट स्की के लिए आने जाने के लिए, जेट स्की एंड मोटर बोट आने के जाने के लिए। तो इस डायरेक्शन में कोई स्विमिंग नहीं कर रहा। पानी में उतरने का बड़ा मन है बट शूज़ हैं तो अभी नहीं, दोबारा आऊँगा इस चीज़ के लिए। एंड सम यहाँ कुछ तो था यार, क्रैब था या क्या था, घुस गया अंदर, कुछ तो था क्रैब या कुछ था अंदर। पटोंग ऑलमोस्ट इट टुक हाफ एन आवर एग्जैक्टली फ्रॉम ओल्ड टाउन। सो अगर आप ओल्ड टाउन आके यहाँ आना चाहते हैं तो हाफ एन आवर से 45 मिनट्स आप अपने पास रखिए। पता नहीं क्या है, ये जेली फिश है या क्या है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, जेली फिश है कि क्या है पता नहीं, हो सकता है जेली फिश हो। यहाँ पे भी इतनी बड़ी है ये, मे बी शायद डेड जेली फिश होंगी, डेड जेली फिश होंगी शायद।
बाहर आ गई हैं पानी से। यहाँ पे भी एक है। एक लोकल ने कंफर्म किया कि वो डेड जेलीफिश है और यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती हैं। पानी काफ़ी डीप है, देखो लोग वहाँ पे खड़े हैं उतने में वो लोग उसमें, तो लहर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। टी शर्ट जाना चाहिए, जूते गीले हो सकते हैं। ले जा रहे हैं, हो गया। Gone with the wind, बोट ले जा रही हूँ उसको। जो बैंकॉक में नहीं देखा था वो यहाँ दिख गया भाई। कीड़े, ग्रास हॉपर, स्कॉर्पियंस, ये भी वॉर्म है किसी तरह के, सिल्क वॉर्म होंगे शायद। मल्टीपल तरह के वॉर्म है जो यहाँ पे मिलते हैं, सबको डीप फ्राई कर रखा है उन्होंने खाने के लिए। अगेन यहाँ पे ग्रास हॉपर दिख रहे हैं सामने, हर तरह के कीड़े हैं खाने के लिए यहाँ पे। बताऊँ बीच में एक मार्केट में आए हैं, फ्ली मार्केट बेसिकली। वहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिल रहा है, कपड़े हैं और मेकअप का है, एक्सेसरीज है, बैग है, काफ़ी कुछ है बेसिकली। अगर एक्सपीरियंस आप देखो तो ये सब 20 बार की है। 20 बार मतलब इंडियन करेंसी के हो गया फिर 42-43 रुपये, 2.23 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 100 बार में बैंक काफ़ी अच्छे हैं सर, 100 बात में इनके हिसाब से 100 रुपये हुए हैं। हमारी कंट्री लो है, हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग होती तो हम भी यहाँ पे आराम से इन्जॉय कर सकते शॉपिंग करने में, कोई तकलीफ नहीं होती। क्या आप कुछ अच्छी चीज़ है शूज, फुटवेयर, डेकोरेटिव आइटम्स, सॉरी आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।